नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो सियासी गलियारों से खबर बड़ी सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के धाता कस्बे में आज पहुंचे बीएसपी राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने विपक्षियों पर तीखा बयान देकर हमला बोला। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा ने डीएफटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि काशी व अयोध्या में मंदिर बनाने का काम जारी है, मथुरा की बारी है। इस बयान पर सियासी घमासान मच गया। ये डालते उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की इस खबर पर नजर, रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर। क्या क्या दो जनपदों में क्या उसका मकसद रहा, क्या निर्देश दिया गया? देखिए, पूरे प्रदेश में प्रभु सम्मेलन हम कर चुके हैं हर जिले में जा करके जी। अब जो हमारे चुनिंदा लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उनके बीच में खास तौर से जो हमारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनमें हम लोग जा रहे हैं और जा करके उनको जो बहुजन समाज पार्टी की कैसी क्या रणनीति है, कैसे आगे बढ़ना है, सरकार बनानी है, उसके जो भी मुख्य चीज़ें हैं आज बहन मायती जी ने कई बार वो रोज़ाना कुछ ना कुछ अपना बयान देती हैं, तो उन सब बातों को उनसे बीच में करने के लिए और रूबरू होकर के अपनी बात उनको समझाने के लिए हम लोग आए। सर, डिप्टी सीएम मौर्य जी का एक बयान आया है कि काशी और अयोध्या में मंदिर कार बनाने का जारी है, लेकिन अब मथुरा की बारी है, मकसद क्या है? देखिए, मकसद खाली इतना है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली जी। केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी हार, पूरी पार्टी की हार को स्वीकार कर रहे हैं, ये दिखाता है। चुनाव के समय विकास की बात न करके, चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात न करके, जो लाखों की संख्या में यहाँ पर कोरोना के दौरान जो लोग मर गए और उनके घर में परिवार में बच्चे अनाथ हो गए, उनको कैसे आगे सुरक्षा दी जाए उसकी बात ना करके, महिलाओं को कैसे सुरक्षा दी जाए उसकी बात ना करके, लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए उसकी बात ना करके, और वो सोचते हैं कि कोई हम फिर से इस तरह के विवादास्पद बयान देंगे और इससे लोगों को हम इधर उधर करके फिर भिड़ा करके कर लेंगे। ये भूल जाएं, अब उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो इन सारे मुद्दों पर अब की बार चुनाव में जाने वाली है, और इनका जो ये चेहरा है, जो मुखौटा था नकली वाला, इस तरह का जिस तरह का बयान देने से नकली मुखौटा, इसको उन्होंने पहचान लिया। सर, अखिलेश जी का एक बयान आया है यूपी टीएटी पर, उन्होंने सवाल ये उठाया कि जो भी पर्चा पेपर लीक हुआ उस पर सरकार का पूरा हाथ है। देखिए, सरकार यूपी टीएटी का पर्चा लीक होना ये तो साफ जाहिर करता है कि सरकार इतना बड़ा है, जहाँ पर 20 लाख परीक्षार्थी इम्तिहान देने आए हों और आस लगाए बैठे थे कि उनको नौकरी के लिए वो सक्षम हो जाएंगे, और कई सालों के बाद ये इम्तिहान होने जा रहा था, और उसमें इम्तिहान देने के बाद और पर्चा लीक होता है, तो इसमें तो तय है कि जब तक सरकार के अंदर बैठ करके इसकी लीकेज की नहीं किया गया है तो लीक ऐसे नहीं हो सकता। और उसके बाद ये बयान देना कि हम तो NSA लगा देंगे, ये लगा देंगे, ये तो लीपअप होती है। समर्थन कर रहे हैं उनके बयान का? हम किसी के बयान का समर्थन किसी का नहीं करते हैं। जी जी, हम तो TET के बारे में खुद बोल रहे हैं कि TET जो है ये सबसे बड़ा, ये दिखाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय है हर चीज़ में फेल है, कानून।